Hey guys, hello everyone, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। चलिए फिर से एडवांस फिल्टरिंग का एक ट्यूटोरियल करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, हमने पहले भी ट्यूटोरियल्स किए हैं और आगे भी करते रहेंगे एडवांस फिल्टरिंग जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जल्दी से एक डेटा तैयार कर लीजिए 5 लोगों का। वैसे तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा तैयार है जो मैंने बताया था। आज एक मार्कशीट तैयार कर लीजिए जिसमें आप लोग सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम बनाएं, A1 में, B1 में बनाएं, नेम C1 में लिखें, इंग्लिश, D1 में हिंदी और E1 में मैथ्स, ये 3 ही सब्जेक्ट बना लेते हैं। F1 में टोटल, G1 में परसेंटेज, F1 में टोटल हो गया, G1 परसेंटेज और F1 में टोटल, G1 परसेंट और H1 में क्या करेंगे हम लोग, H1 में हम लोग बना लेते हैं रिजल्ट, इतने ही कर लेते हैं, है ना। बस पहले, बाद में और भी बहुत कुछ इंक्लूड हो जाएगा, सब्जेक्ट्स भी और दूसरे कॉलम्स भी। नेम के नीचे नेम आएंगे पी कॉलम में, ए, अब ये सब बताने की ज़रूरत तो नहीं रही है। A1 में क्या हुआ, सीरियल नंबर सारे आएंगे, A2 से A3, A4, A5, A6, ए ही कॉलम में। सी इंग्लिश हिंदी मैथ से CDE, तो CDE कॉलम में सबके मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश हिंदी और मैथ्स के। अब हमारे पास F1 में हमारे पास टोटल है, तो टोटल का आपको पता ही है कैसे करना है, सम लगा के फॉर्मूला करना है, इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट, है ना। और जहाँ कॉलम रेंज है, जहाँ से भी है, सी से है तो सी टू कॉलम C2:E2 और राइट पेरेंट कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये सम का फॉर्मूला लगा लीजिए। G1 में आपका क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज में आपको क्या लगाना है, तो आपको परसेंटेज तो आता होगा मेरे ख्याल से निकालना। परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने पहली मार्कशीट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फटाफट H1 में हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे। और मान लीजिए हमने 5 लोगों का डेटा बनाया, सब मार्कशीट की वीडियो बना चुकी हूँ पहले ही, अब मैं बार बार फॉर्मूले आपको नहीं बताऊंगी जिससे कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ऐसा करते हैं, हमेशा वैसे बता देती हूँ, जब भी हम लोग करते हैं जैसे कि परसेंटेज में करते हैं, तो हमेशा करेंगे जो भी टोटल आता है, तो जो भी टोटल आएगा उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसे डिवाइडेड बाई F, जैसे हमारा इक्वल F2 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100, ये कर देते हैं, बता दिया एक बार। अच्छा, H में क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में आप कैसा लगाओगे वो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। फेल पास का एक फॉर्मूला, इक्वल इफ लेफ्ट पेरेंट, फिर वहाँ पे आप परसेंटेज का या टोटल कर लेते हैं, वैसे फॉर्मूला ले लो, फिर कॉमा करो, कोट में फेल, कोट क्लोज, फिर कोट में पास, फिर राइट पेरेंट एंटर, ये सारे फॉर्मूले में बता चुके हैं, इफ़ का फॉर्मूला लगता है यहाँ। अब आता है आई में हमारा फिल्टरिंग, आई में फिल्टरिंग आएगा, मतलब आई में फिल्टरिंग नहीं आएगा, आई में मतलब हमारा बच जाता है कॉलम, 8 कॉलम हो गए, हमने 3 ही सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, हमें ये करना होगा कि जो हमारे ए से ई तक कॉलम है, नहीं सॉरी, ए से एच तक कॉलम है, उन सबको सेलेक्ट करना है, A1 पे कॉलम रख के। अब जितने लोगों का डेटा बनाना आप बना लें, मैं इस पर कोई वो नहीं लगा रही फाउंडेशन, तो A1 पे रख के शिफ्ट रख के राइट एरो कर दो, जैसे 8 कॉलम है तो 7 बार कर दो, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हम इनको कहीं भी पेस्ट कर लेते हैं, मान लो हम O से कर लें, यहाँ से छोड़ लेते हैं, OPQRSTUV, O से लेके V तक रहेगा, तो O से हमने V तक पेस्ट कर लिया, सारे कॉलम हेडर्स ओनली याद रखिएगा, है ना, सारे कॉलम हेडर्स पेस्ट कर लिए। तो जाहिर सी बात है, P1 में हमारा नेम आएगा, O1 में हमारा सीरियल नंबर, हमने हेडर पेस्ट किए ना सारे कॉलम हेडर्स, तो P1 में नेम है, तो P2 में हम हमेशा नेम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने एक नाम लिखा होगा यहाँ पर,
हमने रानी रानी का नाम लिखा है मिसाल के तौर पे, तो इक्वल कोट रानी कोट क्लोज एंटर, तो या कंट्रोल एंटर, तो ये आप किस में लगाओगे फार्मूला, ये पी टू में लगाओ क्योंकि ओ से हमने पेस्ट किए हैं, पी वन में नेम है तो पी टू में फार्मूला लगा लो। अब नेम पे आपको फिल्टरिंग करनी है तो क्या करोगे, करोगे ये कि सबसे पहले आप एडवांस फिल्टर में जाओगे, यानी एडवांस में कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन, ऑल्ट ए करेंगे डेटा टैब आएगा, टैब टैब से फिल्टर क्लियर फिल्टर रीअप्लाई फिर एडवांस आएगा, एंटर करेंगे लिस्ट रेंज जो हो भी होगी, लिस्ट रेंज जो भी है शिफ्ट टैप करेंगे और जो सेम इन प्लेस को चेक कर देंगे, फिर टैप करेंगे लिस्ट रेंज में क्या देंगे, हमेशा सोर्स डेटा दिया जाता है तो हम देंगे इक्वल डॉलर ए, डॉलर शिफ्ट फोर से बनता है डॉलर ए हुआ, फिर डॉलर वन कॉलम, फिर क्या देंगे डॉलर ई, डॉलर शिफ्ट फोर से ही बनेगा और डॉलर सॉरी ई नहीं एच माफ़ कीजिए और डॉलर एच और डॉलर वन, तो इक्वल डॉलर ए डॉलर वन कोलन शिफ्ट यानी शिफ्ट और सेमी से बनेगा, फिर क्या देंगे डॉलर एच डॉलर वन और यहाँ पे राइट पेरेंट देंगे क्योंकि लेफ्ट पेरेंट करके हमने ये फॉर्मूला दिया था और कंट्रोल एंटर कर देंगे यहाँ पर लिस्ट रेंज में, नहीं सॉरी कंट्रोल एंटर मत कीजिए, सिर्फ इतना ही लगाइए राइट पेरेंट कर दीजिए, आप राइट पेरेंट कर दीजिए कंट्रोल एंटर नहीं कीजिए, टैप करके हमें क्राइटेरिया रेंज में जाना है, यहाँ पे हम वही देंगे जो हमने जहाँ पेस्ट किए हैं कॉलम हेडर, तो इक्वल डॉलर ओ डॉलर वन कोलन डॉलर वी यानी वैन वाला, आठ कॉलम है ना ओ बी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो डॉलर वी करके फिर डॉलर वन सॉरी टू डॉलर टू होगा यहाँ पर क्योंकि नेम का फॉर्मूला दूसरी रो में लगाए ना तो तक जाएगा वी टू, जहाँ भी आता है हमारा लास्ट कॉलम वो हम दूसरी रेंज का वही कॉलम तक सिलेक्ट करते हैं मतलब क्राइटेरिया रेंज में, तो क्या हुआ इक्वल डॉलर ओ डॉलर वन कोलन डॉलर वी डॉलर टू। अब क्या करेंगे टैप करेंगे और हमारा वो रिकॉर्ड्स चेक नॉट चेक उसको रहने देंगे, टैप करेंगे ओके पे एंटर कर देंगे, जाके देखेंगे सोर्स डेटा में तो आपको सिर्फ रानी का ही आपको फ़िल्टर मिलेगा और किसी का फ़िल्टर नहीं मिलेगा। इसी तरह आप रिज़ल्ट पे लगा सकते हैं, तो आज बता देती हूँ मैं रिज़ल्ट में कैसे लगाएंगे, अब रिज़ल्ट में ऐसे लगाएंगे जैसे ए ओ पी क्यू आर एस ये तीन सब्जेक्ट हैं, टी में हमारा रिज़ल्ट यानी टोटल है, रिज़ल्ट छोड़ो टोटल पे लगा लो या रिज़ल्ट भी लगा लो कोई बात नहीं, टी यू वी, वी में रिज़ल्ट है हमारा, तो टी में टोटल यू में परसेंटेज की हेडिंग और वी में हमारा रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट हम निकाल पहले ही सोर्स डेटा में सबके निकाल लिए थे हमने है ना, अब फिल्टर करना है हमें तो एडवांस फिल्टर लगाना है जितने भी लोग हों, तो हमें क्या करना है यहाँ पर वी टू में हमें फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल कोट रिज़ल्ट, रिज़ल्ट करेंगे और पहले क्लियर कर लीजिएगा रानी की फ़िल्टर को, ये बात याद रखिएगा क्लियर कर लेंगे एडवांस के बाद क्लियर का ऑप्शन आता है और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल की ज़रूरत नहीं होती, दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे और तीसरा ये ध्यान रखेंगे कि जैसे अब हमने वी टू में फॉर्मूला लगाया है इक्वल रिज़ल्ट कोट में और कंट्रोल एंटर, तो अब हम जब टैप वो ऑल्ट ए करके डेटा टैब में जाके एडवांस पे जाएंगे, तो एडवांस पे जाने के बाद हमें क्या करना है जैसे ही हम एडवांस पे एंटर करेंगे तो कुछ एरर दिखाएगा तो ओके कर देंगे, इसका मतलब है कि हमें F2 करना पड़ेगा और हमें एंड करके जो भी लिस्ट रेंज वहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है उसको हमें डिलीट की से या बैक स्पेस की से डिलीट करेंगे, बैक स्पेस से कर लेंगे और फिर हम लिस्ट रेंज में अपना सोर्स डेटा की देंगे क्या इक्वल डॉलर ए डॉलर वन कोलन डॉलर एच डॉलर वन। अब क्राइटेरिया रेंज में क्या देंगे, क्राइटेरिया रेंज भी वही देंगे, क्या देंगे है ना, तो वैसे मैं एक और बात बताऊंगी चलिए कर लेते हैं, पहले क्राइटेरिया रेंज में आप हम यही देंगे डॉलर इक्वल डॉलर ओ डॉलर वन फिर कोलन करके डॉलर वी डॉलर टू फिर एंटर कर देंगे, तो आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही सबके, रिजल्ट्स तो आपको सबके मिलने ही हैं, लेकिन अगर बेहतर क्या होता कि हम किसी नेम को फिल्टर कर लेते तो उसी की पूरी डिटेल मिल जाती, पर हमें क्या चाहिए यहाँ सिर्फ रिजल्ट्स रिजल्ट्स चाहिए, तो ये आप जो है रिज़ल्ट में वो असल में फ़िल्टर तो हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट्स बहुत सारे हैं तो आपको हो सकता है कि फ़िल्टरिंग करने में प्रॉब्लम आए,
तो अगर आपको पता है किसी पर्टिकुलर की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लगा लीजिए, वरना आप रिजल्ट का फॉर्मूला लगा के इसको फिल्टरिंग एडवांस लगा के देखिए। अब हमने जो एक डेटा बनाया था, जो हमारा मंथ सेल और सारा कुछ था, जिसमें हमने नेम से आइटम नेम से एडवांस फिल्टरिंग कर ली थी, इसमें हमारा बचा था MRP बचा था, मंथ बचा था, सेल बचा था। तो मंथ और सेल के हिसाब से मैं आपको एडवांस फिल्टरिंग लगाना ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ईद के बाद। तो हैप्पी ईद ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।